प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि 370 पर तो पार्टी के नेताओं की राय अलग अलग होती है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कैसे एकजुट हो गए हैं, कैसे सपोर्ट में खड़े हैं पी चिदम्बरम के, ये दिख रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर को आप सुन रहे थे। इस वक्त हमारे साथ अनुराग जुड़े हैं। अनुराग, क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, कपिल सिब्बल का आर्ग्यूमेंट जो है वो आप ये कह सकते हैं कि बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट कपिल सिब्बल फिलहाल कर रहे हैं। तुषार मेहता ने बहुत ही सीधे और सपाट तरीके से 4-5 पॉइंट्स में अपनी बात रखी। केस डायरी जो है वो सबमिट की कोर्ट में और सीधे सीधे किन बेसिस पर उनको कस्टडी चाहिए वो अपनी बात रखी। लेकिन कपिल सिब्बल एक लंबा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कंटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम ने हर तरीके से सहयोग करने की कोशिश की है और बार बार उन्हीं 12 सवालों को चिदम्बरम से पूछा जाता है और वो 6 के जवाब दे चुके हैं। 2017 में चिदम्बरम को इंटेरोगेट करना चाहिए था जब केस दर्ज किया गया था। पुलिस कस्टडी कम से कम 7 दिन का मांगना चाहिए था। आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस है। यानी हम जो कह रहे थे कि 5 दिन का जो कस्टडी मांगा है सीबीआई ने, उसी को अपना आर्ग्यूमेंट यहां पर कपिल सिब्बल बनाते हुए दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 5 दिन का कस्टडी मांगा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस मामला है। जो सवाल सीबीआई ने चिदम्बरम से पूछा, क्या आपका विदेश में बैंक अकाउंट है, चिदम्बरम ने जवाब दिया नहीं। फिर पूछते हैं कि कार्ती का है, तो फिर कार्ती का बैंक अकाउंट आरबीआई से परमिशन लेकर है। यानी वो अब केस की टेक्निकलिटीज़ में कपिल सिब्बल चले गए हैं। वो सीबीआई को अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई कोर्ट को, जो वो हाई कोर्ट में नहीं समझा पाए वो यहाँ सीबीआई कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में गिरफ्तार करने की, कस्टडी में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि जो आर्ग्यूमेंट वो हाई कोर्ट में नहीं समझा पाए, क्या वो सीबीआई कोर्ट में काम करेगा? क्या यहाँ पर कपिल सिब्बल अपने उन्हीं आर्ग्यूमेंट से, यही आर्ग्यूमेंट सेम वो हाई कोर्ट में दे चुके हैं जब एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था, नहीं मिला था, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, वहाँ पर मेंशन ही नहीं हो पाया केस, और अब वही आर्ग्यूमेंट क्या सीबीआई कोर्ट में काम करेंगे जब सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी है? बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन बहुत ही लेंदी, एक तरीके से बहुत ही लंबा आर्ग्यूमेंट, लंबी आर्ग्यूमेंट चल रही है। हमारे साथ आनंद भी जुड़े हैं। आनंद, पैसे के लेन देन को लेकर भी कुछ अपडेट आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है सीबीआई सूत्रों से। सीबीआई ने जब कल 3 घंटे की पूछताछ पी चिदम्बरम से की थी तो उनसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। उनसे सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि आप इंद्राणी और पीटर मुखर्जी से कितनी बार आपने मुलाकात करी है, उस मुलाकात में आपके अलावा और कितने लोग थे जो शामिल थे, इसके अलावा क्या आपने अपने बेटे से कहा था कि इन लोगों से आप मिले कंपनी के बारे में जिक्र करने को, ये तमाम, इसके अलावा बैंक अकाउंट के बारे में, ये महत्वपूर्ण सवाल पी चिदम्बरम से किया गया था कि आपके कितने बैंक अकाउंट हैं और वो कहां कहां पे हैं, इसका कोई जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन अभी जिस तरह से कपिल सिब्बल अंदर आर्गुमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने बताया है कि उनका ऐसा कोई बैंक अकाउंट बाहर नहीं है, तो ये तमाम सवाल हैं जो सीबीआई हेडक्वार्टर में उनसे पूछे गए थे। केवल 3 घंटे की पूछताछ हो पाई थी इसमें। जैसा कि यहां पर कोर्ट में जो जिरह अंदर चल रही है उसमें कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि बार बार उनसे सवाल वही पूछे जा रहे थे, 12 सवाल जिसमें 6 सवाल का जवाब उन्होंने दिया है, और वो पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं जांच एजेंसी को। यह बात गलत है, सीबीआई कह रही है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई सूत्रों से खबर आ रही है कि उनसे जो सवाल पूछे गए थे, इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी कंपनी से जुड़े हुए, कितनी बार आप इन लोगों से पर्सनल तौर पर मिले हैं, कितनी बैठके हुई हैं, उस पर कोई जवाब चिदम्बरम ने नहीं दिया है। और इस बीच अनुराग, एक अपडेट ये आ रहा है कि सीबीआई सिर्फ एलिगेशन लगा रही है, उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है। सिब्बल का ये आर्गुमेंट कितना मजबूत है? नहीं देखिए, ये मजबूत इसलिए नहीं नजर आता है क्योंकि इसी आर्ग्यूमेंट के आधार पर एंटीसिपेटरी बेल कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में मांगी थी पी चिदम्बरम के लिए, नहीं हो पाया था, वहाँ बेल नहीं मिल पाई थी, और वही आर्ग्यूमेंट यहाँ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईआर में नाम नहीं है, एक्यूज नहीं है, वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई ने जो एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताई और जो सीबीआई सोर्सेज से आनंद भी बता रहे थे, वो शायद बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी इस पूरे मामले में। इंद्राणी मुखर्जी के जुड़े हुए सवाल जो भी सीबीआई पूछ रही है, पी चिदम्बरम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री तरीके से, उसका जवाब नहीं दिया। हम आपको बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अप्रूवर है इस पूरे केस में, सरकार की तरफ से अप्रूवर इंद्राणी मुखर्जी, और उसके बाद ही ये पूरा मामला खुलता चला गया था कि किस किस तरीके से क्या क्या तथ्य सामने आए थे, और उन्हीं तथ्यों के आधार पर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की वो टिप्पणी भी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और ऐसा नजर आता है कि पी चिदम्बरम किंग पिन की भूमिका में हो सकते हैं, और उसी आधार पर सीबीआई और ईडी पूरी तरह से एक्टिव हो गए थे। अभी वो आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं अंदर, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मजबूती। नॉन कॉन्फेसिंग इज नॉट नॉन कॉपरेशन।
ये कपिल सिब्बल ने कहा है गैर कबूलनामा असहयोग नहीं है, लेकिन जिस तरह दो दिन से हमने देखा आनंद, क्या ये असहयोग बताता नहीं है कि आप सच्चाई को छुपा रहे थे? आनंद जी, देखिए बिल्कुल जिस तरह से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, ठीक उसी तरह से पैरेलल तरीके से ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। हम लगातार ईडी के बाहर मौजूद होते थे, जब जब चिदंबरम को बुलाया जाता था उनसे करीबन 8 से 9 घंटे की पूछताछ होती थी। उस दौरान भी ईडी के अधिकारियों ने बोला था कि कई ऐसे सवाल हैं जिस पर चिदंबरम साफ चुप्पी साथ जाते हैं, जब भी उनसे पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी के बारे में या कार्ति चिदंबरम की कंपनी के बारे में, जो किकबैक्स हैं उसके बारे में, जो मनी ट्रेल है उसके बारे में सवाल किया जाता था, तो वो चुप्पी साथ जाते थे। यही वजह थी कि उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत थी, जो सीबीआई को मिल चुकी है। अब जैसे ही सीबीआई की कस्टोडियल इंटरोगेशन खत्म होगी, ईडी मन बना चुकी है, ईडी के जो अफसर हैं उन्हें बोला गया है कि पूरी तरह से प्रिपेयर रहें, पूरी तरह से तैयार रहें इस पूरे मामले की जांच को एक बार फिर से रीइन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि 2 FIR दर्ज हो चुकी। मैं पहले आपको बताया है ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी जाँच करेगी इस मामले में, और सबसे अहम कड़ी इसमें इंद्राणी मुखर्जी है, जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग भी बता रहे थे, वो सरकारी गवाह बनी हुई हैं, अप्रूवल हैं, उनकी जांच से ही ये पूरा मामला पलटी खाया है, और इसीलिए कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम, उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी, इस बीच अनुराग, मौलिक अधिकार अगर आपका है चुप रहना लेकिन सच छुपाना नहीं, ये तुषार मेहता ने कहा, लेकिन उसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि गैर कबूलनामा असहयोग नहीं है, ये काउंटर कपिल सिब्बल का कैसे देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल कस्टडी को लेकर सिर्फ यही आर्ग्यूमेंट चलता है एजेंसीज के बीच में और जो एक्यूज के लॉयर होते हैं उसके बीच में, कि क्या कस्टडी की ज़रूरत है। एजेंसी कहती है कि सहयोग नहीं कर रहा है एक्यूज, इसीलिए तो कस्टडी की ज़रूरत है, और इसीलिए मांग भी रहे हैं कोर्ट से कस्टडी, और एक्यूज के वकील ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो सहयोग करेंगे, आगे भी करेंगे और पहले भी करते रहे हैं, एजेंसी उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप एक तरीके से चल रहा है, फाइनल जो जजमेंट होगा जज को डिसाइड करना है कि वो किसको किसके आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, किसके एविडेंस को यहाँ पर मजबूती से देखते हैं, और उसी आधार पर ये फैसला होगा। लेकिन बेहद दिलचस्प आज जो भी फैसला है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर ये कस्टडी मिलती है, 5 दिन की जो कस्टडी सीबीआई ने मांगी है, तो कपिल सिब्बल जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और जो पी चिदंबरम अपना केस रखते हैं बार बार कि उनका कहीं नाम नहीं है, वो एक्यूज नहीं है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, पूछताछ आगे बढ़ेगी, और अगर ये कस्टडी नहीं मिलती है तो सीबीआई की बेहद किरकिरी होगी। तो बेहद दिलचस्प आर्ग्यूमेंट फिलहाल कोर्ट रूम में चल रहा है, और ज़बरदस्त गहमा गहमी कोर्ट रूम में है इस वक्त, खचाखच भरा हुआ है पूरा कोर्ट रूम, और ये तमाम आर्ग्यूमेंट्स कपिल सिब्बल की तरफ से। और अब देखिए, अब सिंघवी ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दिए हैं, यानी पी चिदंबरम की तरफ से बैटरी ऑफ लॉयर्स है, कई सारे लॉयर्स प्रेजेंट हुए हैं, और जैसा हम बता रहे थे कि सीबीआई ने तो सिर्फ अपने पॉइंटेड आर्ग्यूमेंट्स रखे थे, अब जो उसकी काट में कपिल सिब्बल पहले इतना लंबा आर्ग्यूमेंट किया, और अब सिंह भी शुरू हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि 6 सेक्रेटरीज ने फैसला लिया, उन्होंने डिसाइड किया, उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, बट जिसने अप्रूव किया, जिसका इस मामले से लेना देना नहीं है, 6 सेक्रेटरीज ने अप्रूव किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया। तो ये एक आर्ग्यूमेंट से शुरुआत की है अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स की, और ये लगातार जो अंदर जो जिरह है वो आगे बढ़ रही है, और इसी दिशा में बढ़ रही है कि यहीं से कोशिश कर रहे हैं कि कस्टडी न मिल पाए सीबीआई को, या तो जुडिशियल कस्टडी में, और या फिर जमानत यहां से मिल जाए पी चिदंबरम को, ऐसी कोशिश पी चिदंबरम के लॉयर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बेहद बहुत ज्यादा किरकिरी होगी सीबीआई की, लेकिन मजबूती से सीबीआई ने अपना पक्ष रखा है। कितना वक्त लगेगा ये अहम सवाल, और इसी सवाल के साथ आनंद, कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पी चिदंबरम के वकील तो लंबे लंबे आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। जी देखिए प्रीति, एक और बड़ी खबर आ रही है, जो अभिषेक मनु सिंघवी है उन्होंने एक अपना पक्ष रखा है चिदंबरम के पक्ष में, और उन्होंने बोला है कि 11 साल के बाद गिरफ्तारी का क्या मतलब बनता है पी चिदंबरम की, ये सीधे सीधे काउंटर करा है सीबीआई को। उन्होंने कहा है कि जबकि एफआईपीबी के जो 6 सेक्रेटरी उन्होंने ये फैसला लिया था, तो 11 साल बाद ऐसी क्या सामत आ गई, ऐसी क्या वजह हुई कि पी चिदंबरम को कस्टोडियल इंटरोगेशन में लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई और उनसे अब पूछताछ के लिए उनकी रिमांड सीबीआई मांग रही है। ये दलील, अहम दलील जो है अभिषेक मनु सिंघवी रख रहा है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, जब रॉबर्ट वाड्रा का केस चला था तो वहां पर भी जो बैटरी ऑफ लॉयर है वो उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था कांग्रेस तरफ से, जैसे पहले की जो केटीएस तुलसी है वो लगातार कोर्ट में आते थे पटियाला हाउस कोर्ट में, और उसके बाद कई मौके ऐसे आए जब अभिषेक मनु सिंघवी जो है
वो पक्ष रखने के लिए रॉबर्ट वाड्रा का कोर्ट में पहुंचे हैं। यहाँ भी यही स्थिति है, यहाँ पर कई वरिष्ठ वकील हैं जो कांग्रेस की तरफ से पी चिदम्बरम का पक्ष रखने यहाँ पे आए और बारी बारी से वो जिरह कर रहे हैं इस पूरे मामले में। लंबे आर्गुमेंट का कितना मतलब होता है अनुराग, की रिमांड ना मिले, ज्यूडिशियल कस्टडी ना मिले और जो उनके फेवर में फैसला